हेलो फूडीज़, तो चलिए आज बनाते हैं शाम के चाय के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही कम समय में बनने वाले आलू चॉप। तो इसके लिए पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 बॉईल किए हुए आलू और अब हमें इन्हें अच्छे से कर देना है मैश। तो इसे कई जगह आलू कटलेट, आलू बोंडा या फिर आलू चॉप भी कहा जाता है। और अब हम लेंगे एक बड़ा सा पैन, पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हमें इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा, 10 से 15 कड़ी पत्ते, इसे हम आधे मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, इसे हम करीबन 1 मिनट तक भूनेंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी हम करीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। और अब बारी है डालने की मसालों की, तो इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। और अब मसाले को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और अब मैश किए हुए आलू को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा चटपटा आलू चॉप चाहिए तो आप इसमें चाट मसाला या फिर आमचूर मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। आलू मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसका मतलब हमारा आलू मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम लेंगे एक बड़ा सा बोल, बोल में हम डालेंगे 1.5 कप बेसन। अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और हमें इसमें एकदम से पानी नहीं मिलाना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाना है। बैटर को हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ सा एक अच्छा सा बैटर बन चुका है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम लेंगे आलू का मिक्स थोड़ा सा और इसे हम शेप देंगे। इसे आप टिक्की के शेप जैसा या फिर आप इसे ऐसे लंबा कटलेट शेप जैसा भी दे सकते हैं। और अब लेंगे एक कढ़ाई या फिर एक पैन और उसमें डालेंगे तेल। और अब एक एक करके हम आलू के चॉप को बेसन के बैटर में अच्छे से कोट करके तेल में डालेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के आलू के चॉप को भी हम डिप करके तेल में डाल देंगे। और इसे हमें मीडियम फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और हमें इसे बीच बीच में फ्लिप करते रहना है ताकि हर तरफ से इवनली पक सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलू चॉप का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम अपने बाकी के आलू चॉप को भी बेसन में डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। अगर शाम को आपको चाय के साथ कुछ मज़ेदार सा खाने का मन करे या फिर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों और बड़ों को पसंद आने वाली ये स्ट्रीट स्टाइल आलू चॉप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली आप इसे अगर बरसात के मौसम में चाय के साथ बना के खाएँगे तो आपको मज़े ही आ जाएंगे। और आप इस आलू चॉप को खाने के बाद तो रास्ते में मिलने वाली आलू चॉप को भूल ही जाएंगे। तो हमारे गर्मा गर्म आलू चॉप है बिल्कुल रेडी, तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। आप इन्हें चाय, ग्रीन चटनी या फिर आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो देखिए अंदर से इसके फिलिंग कैसी लग रही है, बहुत ही लाजवाब बने थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।